देव जोशी पर्दे पर नजर आएंगे पहली बार विलन के किरदार में। विलन के किरदार पर बोले देव जोशी। आखिर क्या कहा देव जोशी ने, चलिए जानते हैं। सोनी सब की सुपरहिट शो बालवीर रिटर्न्स बच्चों में काफी फेमस है। यही कारण है कि अब सीरियल बालवीर का अगला पार्ट बालवीर रिटर्न सीजन 2 के नाम से चैनल पर आ रहा है। एक तरफ जहां इस सीरियल के लीड एक्टर देव जोशी पहली बार 7 किरदारों को स्क्रीन पर निभाने जा रहे हैं, तो वहीं ऐसा पहली बार होगा कि देव जोशी सीरियल में नेगेटिव किरदार में भी नजर आएंगे। यानी कि आपकी टीवी स्क्रीन पर देव जोशी हीरो और विलन दोनों के किरदार में नजर आएंगे और खुद से ही लड़ते हुए नजर आएंगे। ये देखना काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। 7 अलग अलग किरदारों को निभाना मेरे लिए वाकई मुश्किल काम था, लेकिन मजा भी आया, क्योंकि जब आप 7 किरदार निभाते हैं तो आपको उन किरदारों के लिए अलग बॉडी लैंग्वेज, अलग बोली और अलग तरह की वेशभूषा पहननी होती है, जो अपने आप में वाकई मजेदार होता है। दूसरा, मेरा जो काल का नेगेटिव किरदार है, एक कलाकार के तौर पर मुझे उसमें खेलने में काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी मौका भी मिला और मैंने जमकर इंजॉय किया इस किरदार को। हाँ, उस किरदार में मुझे एक परेशानी ज़रूर होती है कि वो इस किरदार के गेटअप में मैं अपना लंच नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए मैं सेट पर ज़्यादातर जूस ही पीकर रहता हूँ। खैर, देव जोशी की बातों से साफ है कि वो अपने हर एक किरदार को एंजॉय कर रहे हैं। वेल, अब देखना ये है, जैसे पॉजिटिव किरदार में देव जोशी अपने फैंस के दिलों में जगह बना पाए, तो क्या एक नेगेटिव किरदार से फैंस के दिलों में एक अलग छाप छोड़ पाते हैं देव जोशी। ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। खैर, आप देव जोशी के इन 7 किरदारों को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। टेलीविजन के लेटेस्ट अपडेट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।